हेलो फ्रेंड्स, मीनाक्षी किचन में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं केर की सब्जी, वो भी आपको मैं दो प्रकार से बनाकर बताऊंगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफी चाहती हूँ कि काफी टाइम बाद में आज मैं वीडियो डाल रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी इस वजह से। तो और एक बात और कि अभी कोरोना काल चल रहा है, तो सभी लोग सेफ रहें अपने घर में और ध्यान रखें अपना और अपनी फैमिली का। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 2 टेबलस्पून सरसों का तेल लिया है। आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन अभी आपको सरसों का तेल आप लें तो बहुत ही बढ़िया है। इस समय सरसों का तेल अपने लिए बहुत बेनिफिट वाला है और आपके टेस्ट पर है कि आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। हमें इसे अच्छे से गर्म करना है। अब तेल है जो गर्म हो गया है, अब हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे, 1/2 टीस्पून राई डालेंगे और इसको चटकने देंगे। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। हमने एक कटोरी दही लिया है, इसके अंदर 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिर्ची आपको जैसी, अगर थोड़ा तीखा बनाना है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब ये देखिए जीरा काला पड़ गया है और अब हम इसमें जो दही वाला पेस्ट है वो डालेंगे और कंटिन्यू इसे हिलाएंगे, नहीं तो ये दही हमारा जो फट जाएगा। हम तब तक हिलाएंगे जब तक ये अच्छे से बॉईल नहीं आ जाए। गैस की फ्लेम को दही डालते वक्त हमेशा लो ही कर लेनी है या फिर गैस की फ्लेम को ऑफ भी कर सकते हैं। तेज फ्लेम पे दही फटने का डर रहता है। और मैंने 3 से 4 लहसुन की कली है जो कूट के रखी थी, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और इसको हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट हो गए हैं और दही भी पक गया है। अब हम इसके अंदर जो हमने केर लिए हैं, छोटे साइज के केर लिए हैं मैंने, ये देखिए, तो इनको मैं थोड़ा सा, आप चाहे तो इनको थोड़ा सा तोड़ के भी डाल सकते हैं, मैं इनको साबुत ही इसके अंदर डाल रही हूँ। और गैस की फ्लेम को हम लो ही रहने देंगे और इसको पकाएंगे। इसको कवर अप कर देते हैं और 5 मिनट के लिए इसको हम पकने देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं और हमारी सब्जी भी है जो रेडी हो गई है। ये देखिए
इतनी अच्छी सब्जी बनी है। अब हम इस पे थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रेड कर देंगे, इससे खुशबू अच्छी आती है इस सब्जी में। और हम अब गैस की फ्लेम को भी ऑफ कर देंगे। ये हमारी सब्जी रेडी हो गई। अब हम इसे बॉल में निकाल देंगे। अब हम 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, ये मैंने सरसों का ऑयल लिया है, इसे गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया, अब हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे। एक टीस्पून कुटा हुआ लहसुन, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च छोटी वाली, 2 बड़े वाले केर लिए हैं, इनको मैंने थोड़ा कूट लिया है और इसी समय ये केर भी डाल दूंगा। ये 100 ग्राम केर लिए थे मैंने, अब इनको अच्छे से पकाएंगे। फ्लेम को लो रहने देंगे। इसी तरह से 1 मिनट के लिए इसे हम लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे और कवर करेंगे। एक मिनट हो गया है और हमारे केर भी अच्छे से तेल में फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लिया है धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून लिया है हमने हल्दी पाउडर। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक और इसे वापस कवर कर देंगे। 2 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे। देखिए सब्जी पक गई है और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है सब्जी। केर की सब्जी सीजन में बनानी चाहिए वैसे भी, क्योंकि जैसे गर्मियों में क्या है लू चलती है, गर्म हवा जो चलती है उससे ये हमें काफ़ी प्रोटेक्ट करने में काफ़ी सहायता लगती है। तो ये सब्जी तो खानी भी चाहिए, वैसे भी बहुत टेस्टी लगती है। और जैसे कि हमारे मारवाड़ में राजस्थान के अंदर ये सब्जी को बहुत शौक से खाया जाता है। अब हम मैं इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल दूँगी। और गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। फ्रेंड्स, हमने दोनों तरह की सब्जी बनाकर तैयार कर ली है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर मेरे साथ साझा करें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।